Home is where the heart is, and heart is where the kitchen is. Yes, absolutely. Kitchen is the tone of every house. Dil ka rasta to pet se hi hoke jata hai na. To friends, main Bhumi. Welcome to Catch Life with Bhumi. Aaj main aapke saath share kar rahi hoon part 1 mere kitchen tour aur organization ke bare mein. Part 1 mein main aapko dikhaungi wo look jo ki bilkul open hai aur part 2 mein dikhaungi main sare almiras ka look. To dekhiye ye hai meri kitchen ka entrance. Jis tarah se meri kitchen ki starting hoti hai, ye ek wall hai jo meri stairs ko aur meri kitchen ko divide karti hai aur ye mera ek bahut favorite sitting area bhi hai. तो मेरी किचन का एरिया देखिए, एल शेप की मेरी किचन है जिसका प्लेटफॉर्म ब्लैक है और ये एक छोटी किचन ही कही जाएगी. किचन की स्टार्टिंग में मैंने कुछ ग्रीनरी ऐड कर रखी है क्योंकि सामने की विंडो से बहुत ही अच्छी एयर और जो है धूप आती है. देखिए सारा एरिया प्लेटफॉर्म के नीचे का कवर्ड है और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अलमीरा बनी हुई है वो है टोटल 6. गैस स्टोव के चिमनी के साइड में 3 अलमीराज हैं और दूसरे साइड में भी 3 अलमीराज हैं. काउंटर टॉप मेरा जो एरिया है काउंटर टॉप का, ये एरिया कॉर्नर का वो है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ. तो देखिए यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई, इसमें रखी हुई है मैंने एक रैक जो कि मैंने वॉल के लिए बनवाई थी, लेकिन ये कुछ गलत बन गई जिसकी वजह से मैंने इसे नीचे प्लेस कर रखा है. रखे हैं इस पर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे. तो थोड़े से डेकोर आइटम और मेरी किचन का लगभग काफ़ी सारा सामान मैंने इस शेल्फ पर रख रखा है और ये बहुत ही छोटे छोटे डेकोर आइटम से खूबसूरत लगती है. इसमें मैंने रख रखी है एक वुडन शेल्फ इस तरह की और ये दो है रॉट आयरन की शेल्फ. माइक्रोवेव के एक साइड में जो मैंने वुडन शेल्फ रख रखी है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है और इसका अरेंजमेंट मैंने ऐसे कर रखा है. इसमें रखे हुए हैं कुछ खूबसूरत मेसन जार्स जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं. थोड़ी सी एक छोटी सी जो है मेरी घड़ी रखी हुई है. ये छोटी छोटी इत्र की शीशियाँ हैं जो कि करीब 50-60 साल पुरानी है. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एंटीक चीज़ें, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ प्लेस कर रखा है. साथ में है मेरी सॉल्ट नमक वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है. टी शुगर बॉक्स, मेरा हैंड ब्लेंडर, छोटे छोटे निक नैक्स, ये मेरी दवाई का मेडिसिन का बॉक्स जिसे मैंने पहले माइक्रोवेव पर रखा था लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने उसे हटा के यहाँ रख दिया. कुछ अच्छी बुक्स किचन रेसिपीज की और मोटिवेशनल बुक्स यहाँ रखी हुई हैं. ये छोटे छोटे से कुछ बर्तन हैं जो मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तब मैं यूज़ करती थी. एक मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ रख रखी हैं. तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सामान भी होल्ड करता है और यहाँ मैंने कुछ डेकोर आइटम्स रख रखे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है. जो ये रॉट आयरन की शेल्फ हैं ये भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और इन पे मैंने बहुत प्यारा प्यारा सा आइटम जो कि देखने में अच्छा लगे उसे प्लेस कर रखा है. इसके बाद देखिए इसका नीचे का लुक इस रैक का इस तरीके का है. यहाँ रखा हुआ है देखिए एक मैंने छोटी सी ये रख रखी हैं चीज़ें जिसमें कि मेरा जो है लाइटर गैस लाइटर वगैरह रखा रहता है. फ्रूट बास्केट है, ये एक छोटी सी बास्केट में मैंने रख रखी. इलेक्ट्रिक कैटल, मूव करना आसान होता है, इसमें फ्रूट्स रखे रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे मैं इसे रख देती हूँ. ये रखी हुई है मेरी मसालदानी जिसमें मसाले रखे रहते हैं. सारी चीज़ें हैंडी हैं बहुत. यहाँ ये रखा हुआ है कुछ पेंट्री का सामान जिसे मैं कवर्ड रखती हूँ ताकि, क्योंकि अगर ओपन रखूँगी तो यहाँ पे ऑयल ग्रीस वगैरह उस पर आ जाएगी, तो ये मैंने ओपन में नहीं रख रखा है. इस एरिया में मेरा बहुत सारा सामान ऐसा रखा हुआ है जो कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो मेरे लिए बहुत ही हैंडी रहता है. दूसरे साइड में जो रखे हुए हैं ये स्पून, सीज़र और जो है चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है और नाइफ्स रखे हुए हैं यहीं पे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो खाना बनाते टाइम ज़रूरी होती हैं वो मेरी इसी शेल्फ में हैं. नीचे देखिए रखे हुए हैं कुछ बॉक्सेस, अनियन पोटैटो और गार्लिक के बॉक्स. गार्लिक के बॉक्स मेरे पास दो हैं, एक मैं डेकोर करती हूँ. इनके बारे में बहुत रिक्वेस्ट आती है, ये मैंने वेस्ट साइड से खरीदे थे. यही पूछने के लिए बहुत लोग क्वेरी करते हैं. देखिए यही वही पेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है. ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है अनियन बॉक्सेस. तो देखिए कुछ इस तरह से ये लगता है पूरा लुक. ये सजा हुआ भी लग रहा है, डेकोरेटेड भी लग रहा है और साथ ही इसमें रखा हुआ है बहुत सारा सामान.
माइक्रोवेव के ऊपर से मैंने मेडिसिन बॉक्स हटा दिया, बताया ये रखा हुआ है एक ऑर्गेनाइज़र, जैसे आपने यहाँ पे अपना मोबाइल रख दिया, हैंड सैनिटाइज़र है, टूथपिक्स हैं, और जैसे पेन रख दिया, बहुत छोटे छोटे से बिल्स आ गए जो वो मैंने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। और ये बहुत लाइट वेट है इसलिए यहाँ पर ये रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। वही डेकोरेटिव आइटम, बहुत ही क्यूट सा डेकोरेटिव आइटम है ये सारे। ये नैपकिन होल्डर रखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो रॉट आयरन की बड़ी अलमी जो शेल्फ लगी हुई है इसमें मेरी डिटॉक्स वाटर की बॉटल वगैरह रखी रहती है, अभी खाली है क्योंकि मैंने पानी पी लिया उसका। और नीचे रखा हुआ है देखिए ये कुछ मेरा ऐसा सामान जिसमें कि है ये देखिए विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह हैं जो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। और रॉट आयरन की जो दूसरी शेल्फ है इसमें मेरा अपना पर्सनल सामान, मेरी क्रीम्स, ऑयल रखी रहती हैं, फेस मास्क वगैरह, ग्रीन टी, ये सब मेरा इस जगह पे रखा रहता है। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये मेरा एक हेल्थ कॉर्नर है। आप मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये एक हेल्थ कॉर्नर बना रखा है। तो यहाँ देखिए, अब ये देखिए, एक मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था विंडो को मैं कवर कैसे करती हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा रखी हैं ये विंडो की ब्लाइंड्स। एक साइड से जब इन्हें हम खींचते हैं तो ये नीचे आ जाती हैं बहुत इजीली, किसी भी कर्टन की शॉप पे आपको ये मिल जाएंगी, और इससे बहुत कायदे से किचन की विंडो कवर रहती है। कवर होने के बाद देखिए पता ही नहीं चलता कि बाहर इतनी धूप भी थी, और बहुत ही अच्छा सा एक सूदिंग सा लुक किचन में रहता है। किचन की विंडो को मैंने कुछ इस तरह से ये हैंगिंग वासेस से डेकोरेट किया है। आप मेरी किचन विंडो डेकोरेशन का वीडियो ज़रूर देखिएगा कुछ आइडियाज़ के लिए। मैंने रख रखी है ग्रीनरी, और ये रख रखी है कुछ पिकल्स जार, अचारदानियाँ यहाँ पे रख रखी हैं। कॉर्नर में मैंने रखी हुई है इस तरीके की एक रिवॉल्विंग रैक, अच्छी धूप इस एरिया में आती है। यहाँ पे मैंने इसमें रख रखी है अपनी ऑयल केन, जिसमें हर तरीके का ऑयल है जैसे सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल। एक ये जो दूसरी गार्लिक की मेरे पास कंटेनर है इसमें मैंने लगा रखे हैं फ्लावर्स। एक मैसन जार में, कॉफ़ी के मैसन जार में मैंने रख रखे हैं कुछ वुडन स्पैचुला, बहुत सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रख रखी है डायरी वगैरह भी मैंने यहीं पर प्लेस कर रखी है। सिंक एरिया के पास का एरिया मैं हमेशा खाली रखती हूँ, टॉवल्स वगैरह रखती हूँ, बर्तन धोने के जो भी सोप वगैरह हैं वो प्रॉपरली मैं यहाँ पे रखती हूँ, और ये एरिया हमेशा क्लीन बना रहता है। एक टॉवल होल्डर में मैंने लटका रखी है नीचे भी एक हैंडी टॉवल, जिससे कि जब भी आप खाना बनाते रहें तो आप हाथ वगैरह पोंछते रहें। तो देखिए इस तरह से ये एरिया मेरा लगता है। प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड एक वाटर जग और थोड़ी सी सेंटेड या तो पॉटपूरीज या रहती हैं कुछ भी सेंटेड फ्रेश फ्लावर्स की कोई भी जो है पत्तियां वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पार्ट वन किचन टूर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कल मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपनी अलमीराज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा पार्ट टू ऑफ माई किचन टूर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो मैं अपलोड करूँगी कल। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू, बाय बाय।